प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लॉलीपॉप की तरह है। उससे स्वाद तो लिया जा सकता है लेकिन पेट नहीं भरा जा सकता। भारत वर्ष की अन्य राज्यों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की जो स्थिति है वह इस प्रकार है। तमिलनाडु में 50%, केरल में 40%, अंडमान में 38%, बिहार में 33%, कर्नाटक में 32%, आंध्र प्रदेश में 29% और मध्य प्रदेश में 14% से भी कम। ये मध्य प्रदेश की सच्चाई है जिसका सामना अब ओबीसी वर्ग को करना ही पड़ेगा। स्कूल में शिक्षक नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, प्रदेश में रोजगार नहीं, किसानों को सम्मान नहीं, महिलाओं बच्चों को सुरक्षा नहीं और अब स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को गहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर स्तर पर ओबीसी की संख्या आधी से भी कम रह जाएगी। जिला पंचायत में ओबीसी को 13 सीटें मिलती थी, 4 मिलेंगी। पहले 4023 सरपंच ओबीसी के बनते थे, अब सिर्फ 2985 बनेंगे। मानो या ना मानो, ओबीसी के लिए विभीषण साबित हुए।